नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जिस वक्त भारत में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट अभियान चल रहा था, तो चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन ने भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि चीन के लोग भी भारत के सामानों का बॉयकॉट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भारतीय प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है बॉयकॉट करने के लिए। चीन के इस मजाक पर मशहूर कारोबारी आनंद महिंद्रा ने उस वक्त जवाब देते हुए कहा था कि ये कमेंट भारतीय कंपनियों के लिए सबसे प्रभावी कारक हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि हम इस दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ेंगे। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले आनंद महिंद्रा इस बार चीन से आई एक खबर से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन को लेकर दुनिया के तमाम देशों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसी का नतीजा रहा कि जर्मनी की मशहूर शू कंपनी वॉन वेलिक्स ने चीन से अपना कारोबार समेट लिया और विकल्प के तौर पर भारत को चुना। चीन को जबरदस्त झटका देते हुए इस कंपनी ने यूपी के आगरा में अपना कारोबार डाल लिया। इतना ही नहीं, कंपनी ने जूता बनाने की 2 यूनिट्स शुरू भी कर दी। यूपी के अपर मुख्य सचिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आलोक कुमार ने दोनों यूनिट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। इन यूनिट्स में 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। इतना ही नहीं, अभी तक 2,000 लोगों को इन यूनिट्स में रोजगार मिल भी चुका है। ये खबर जब आनंद महिंद्रा को मिली तो उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा, पहली कुछ बूंदें जो टपक जाती हैं, फिर एक मजबूत प्रवाह बनती और फिर एक बाढ़ का रूप ले लेती। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि निवेश की इस अच्छी बाढ़ को रोकने के लिए कुछ ना करें। एक बहुत बड़ा मौका आ रहा है, मुझे उम्मीद है इन्वेस्ट इंडिया इसे बढ़ावा देगा। चीन से पलायन कर भारत आई जर्मन कंपनी पर आनंद महिंद्रा का मानना है कि ऐसी कई और कंपनियां भारत आ सकती, बस इन्वेस्टमेंट इंडिया को इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। आनंद महिंद्रा का ये ट्वीट कहीं ना कहीं चीन के जले पर नमक की तरह है, क्योंकि ऐसे समय में जब चीन की दुनिया भर में छीछा लेदर हो रही है, तमाम कंपनियां चीन से कारोबार समेट रही है, तो ये कहना कि जर्मन शू कंपनी की तरह तमाम कंपनियां चीन से कारोबार समेट कर भारत आने वाली और निवेश की इस बाढ़ को हमें रोकने की जरूरत नहीं है, ये बाढ़ भारत आ रही है तो आने दो, ये कहीं ना कहीं चीन को चिढ़ाने जैसा ही। वैसे बता दें, चीन से पलायन करके आई जर्मन कंपनी वॉन वेलिक्स यूपी में 3 परियोजनाओं पर करीब 300 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना पर काम कर रही। कंपनी का दावा है कि इससे 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। सरकार का दावा है कि ये यूनिट सालाना 50 लाख जोड़ी जूतों का उत्पादन करेंगी। यूनिट्स की स्थापना आगरा के एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क में भारत के इयाट्रिक इंडस्ट्रीज ग्रुप के साथ साझेदारी में की गई।